Understand the secret of success, secret of happiness. You want to understand? Okay. Secret of success is so simple ki you think and get. It is so simple ki aap sochiye aur prapt kar lijiye. Lekin mushkil kya hota hai ki jo hum sochte hai wahi milega. Sochte wahi milega. और जो हम सोचते हैं हमें कॉन्शियसली पता ही नहीं चलता कि वो हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यहाँ पे आप देखिए, दो हमारे माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. तो सबकॉन्शियस माइंड केवल एक अलमारी की तरह होता है, उसमें जो भी पड़ा है वो आपके लिए एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है. कॉन्शियस माइंड ये हम जान के, जो टीवी पे हमने देखा, जो सोसाइटी में हो रहा है, जो हमने स्कूल में देखा, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में देखा, जो हमने सुना या कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया या पेरेंट्स से सीखा, एनवायरनमेंट से सीखा, एजुकेशन से सीखा, हमारे एटीट्यूड्स, ये कहाँ से डेवलप होते हैं? ये कॉन्शियसली डेवलप होते हैं. जो भी हमारे साथ हुआ वो कहाँ गया? हमारे सबकॉन्शियस में गया. और सबकॉन्शियस क्या है? हमारा एक ऑटो पायलट है. जो भी हम सुबह उठते हैं वो हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है. सुबह उठ के अगर कभी ऐसा लगेगा अरे छोड़ो कल करेंगे, या फिर कई बार ऐसा लगेगा चलो अभी नहीं उठते हैं, तो वो आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर्स है, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं. तो ये जो हैबिट्स और बिहेवियर्स है ये कैसे होते हैं कि जो भी आप सोचते हैं कॉन्शियसली और वो आपके सबकॉन्शियस में आते हैं. और जो आपने सोचा, जब ये मैंने कहा कि थिंक एंड गेट, तो जो सोचा वो कहाँ गया? सबकॉन्शियस में. और सबकॉन्शियस फिर हमारा ये इमोशंस बनते हैं, और इमोशंस बनते हैं हमारे, और वो फीड होते हैं फिर बॉडी में, और बॉडी एक्शन लेती है, बिहेवियर से बनते हैं, और बिहेवियर से फिर हमको रिजल्ट आता है. इमोशंस केवल दो तरह के होते हैं. देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ इमोशंस. वन इज फियर, अनदर इज लव. इनसिक्योरिटी इज ऑल्सो ए फियर. कई बार जो जेलस होता है ये भी एक फियर के अंदर ही है. जेलस किसका होता है? अरे यार वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, उसने तो ऐसा कर लिया. ये भी एक कंपटीशन है, ये भी इनसिक्योरिटी है. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है हमारे हेल्थ के लिए, अगर आप प्यार में हैं, और प्यार का मतलब होता है लव विदाउट रिजर्वेशंस, जब कोई रिजर्वेशन नहीं हो, अगर ये मेरे साथ ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. केवल मैं शॉर्ट में ये बताऊँगा कि हेल्थ के लिए अगर आपके अंदर फियर है, तो ये फियर हमारी माइंड में एक सेंसर होता है अमिगडाला, और वो हाइपोथैलेमस को बताता है कि कुछ थ्रेट है. वो इंटरप्रेट भी कर लेता है हर न्यूरॉन को, और उसके हिसाब से फिर हमारे का ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी साइकोसोमेटिक डिजीज उसी से ही पैदा होती है. एंड इफ़ यू आर इन लव, तो हमारे यहाँ पे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंड बॉडी में हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और हर एक सेल का अपना दिमाग होता है. इसका मतलब ये होता है, वो कहते हैं ना मेरा रोम रोम खुश है. अगर मेरा रोम रोम खुश है, अगर यहाँ से दिमाग को पता है कि सब खुश खुश है, तो इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ईच सेल ऑफ अवर बॉडी, एंड वी फील हैप्पी एंड हेल्दी. और अगर यहाँ पे कुछ फियर है, देन होल बॉडी विल गेट इफेक्टेड बाई दिस, और हमको सारी सोमेटिक साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है, और हमारा इम्यून सिस्टम विल गो डाउन. सो इट इज़ सो सिंपल, थिंक एंड गेट. सो थिंक मीन्स वट एवर यू थिंक, फोकस ऑन इट. और जो फोकस करेंगे तो कॉन्शियसली आपने सबकॉन्शियस को दे दिया, और सबकॉन्शियस हमारा ऑटो पायलट है, ऑटोमेटिकली फिर काम करता है. अगर आप दिन में 3 बार बोलेंगे आई एम ग्रोइंग, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, तो ये उतनी बार सबकॉन्शियस को दे दिया, और सबकॉन्शियस फिर हमारी बॉडी को वैसे ही बिहेव करता है, सो दैट वी गेट दोज डिजायर रिजल्ट्स. एंड इफ यू जस्ट फॉलो दिस सिंपल स्टेप, थिंक एंड गेट, यू कैन अचीव एनीथिंग. सो थिंक वट एवर यू वॉन्ट एंड गेट ऑफ योर desired results. Thank you so much.